नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके किस बकास। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 29 अप्रैल करंट अफेयर्स यानी कि मंडे के करंट अफेयर्स देखेंगे, ठीक है, जो कि आपके आने वाली एग्जाम्स में आ सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए ताकि हम आपके साथ जो क्वेश्चन आपको कवर करवाएंगे उसकी हिस्ट्री और उसके पीछे जो भी आपके क्वेश्चन है वो आपको हम कवर कराएंगे, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखें और अगर भी आपको वीडियो पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज एडेन मार्क रान के स्थान पर हेल्पशायर में शामिल होने वाले भारत के पहले विदेशी खिलाड़ी कौन है। तो दोस्तों उनका नाम है आजिंक्य रहाणे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके पीछे हम देखते हैं कि क्या है। आजिंक्य रहाणे हैं दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज एडेन मार्क राम के स्थान पर हेल्पशायर में शामिल होने वाले भारत के पहले विदेशी खिलाड़ी बने हैं। इसके साथ रहाणे हेल्पशायर का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। रहाणे मई से जुलाई तक 8 काउंटी मैच में शामिल होंगे जो वीज़ा क्लियरेंस पर निर्भर करता है, ठीक है, यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेरनोबिल ऑन आइस के रूप में जाने जाने वाले तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली की आपूर्ति शुरू करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों वो रूस में बिजली की आपूर्ति शुरू करने के लिए तैयार है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अकाडमिक लोमोनोसोव कथित तौर पर रूस के सुदूर पूर्व में स्थित क्षेत्र के लिए बिजली प्रदान करने हेतु बनाया गया है। पोत का 70 मेगावाट रिएक्टर लोगों के शहर को बिजली दे सकता है, यानी कि इसमें 20 लाख, ठीक है दोस्तों, 20 लाख लोगों को ये बिजली दे सकता है। और चीन इसी तरह के तैरते हुए पावर स्टेशन का निर्माण कर रहा है, ठीक है, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अप्रैल 2019 में प्रतिष्ठित मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उनका नाम है दोस्तों हेलेन, ठीक है, हेलेन को किया गया है। फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर, ठीक है, फिल्म निर्माता कौन है, मधुर भंडारकर, पटकथा लेखक सलीम खान और हेलेन को 25 अप्रैल को प्रतिष्ठित मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार की स्थापना दोस्तों चैरिटेबल ट्रस्ट मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान द्वारा की गई है। यह पुरस्कार संगीत, नाटक, कला और सामाजिक कार्य के क्षेत्रों में दिग्गजों को दिया जाता है, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल वित्तीय प्रौद्योगिकी प्रदाता वायरकार्ड ने भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु किसके साथ साझेदारी का विस्तार करने की घोषणा की है। तो दोस्तों उसका नाम है RBL बैंक, ठीक है। डिजिटल वित्तीय प्रौद्योगिकी प्रदाता वायरकार्ड ने भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु RBL बैंक के साथ साझेदारी का विस्तार करने की घोषणा की है। यह साझेदारी डिजिटल भुगतान और बैंकिंग लेनदेन को सभी भारतीय नागरिकों के लिए अधिक सुलभ बनाएगी। वायरकार्ड अपने खुदरा एजेंटों को सशक्त करेगा जो देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में ग्राहक सेवा प्रतिनिधियों के रूप में काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीग वन फुटबॉल मैच में रेफनी बनने वाली पहली महिला कौन है। तो दोस्तों वो है स्टेफनी फ्रापट, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये फ्रांसीसी अधिकारी स्टेफनी फ्रापट लीग वन फुटबॉल मैच में रेफरी बनने वाली पहली महिला बन जाएगी। उन्हें फ्रांसीसी फुटबॉल महासंघ द्वारा खेल के लिए चुना गया है। वह इस वर्ष के अंत में अपने दूसरे महिला विश्व कप में भाग लेगी। 35 वर्ष की दोस्तों ये हैं फ्रापट। 2014 में लीग टू मैच में रेफरी बनने वाली पहली महिला थी, ठीक है, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 से 30 अप्रैल तक निम्नलिखित में से कौन सा सप्ताह मनाया जाएगा। तो दोस्तों वो मनाया जाएगा विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 24 से 30 अप्रैल 2019 तक मनाया जाता है। इस वर्ष के अभियान का विषय दोस्तों था, इसका विषय है एक साथ सुरक्षित टीके काम करते हैं, ठीक है, ये इसकी विषय था, सब्जेक्ट था। हर वर्ष अप्रैल के अंतिम सप्ताह को विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है ताकि बीमारी के खिलाफ सभी उम्र के लोगों के सुरक्षा के लिए टीकों के उपयोग का बढ़ावा दिया जा सके, इसलिए ये प्रतिरक्षण सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि कुछ बुलेट्स हैं
तो इसको पढ़ लीजिए आप कि अमेरिका ने वनडे इंटरनेशनल ओडीआई का दर्जा हासिल किया है। ठीक है, टूर्नामेंट की समाप्ति के बाद 20 ODI राष्ट्र होंगे, यानी 20 ODI राष्ट्र होंगे, जिनमें शीर्ष चार पक्ष पर स्कॉटलैंड, संयुक्त अरब अमीरात UAE है जो कि नेपाल और नीदरलैंड के अस्थायी दर्जा देने में शामिल होंगे। ठीक है, ओमान नेक्स्ट है कि ओमान ने भी नामीबिया, पापुआ न्यू गिनी, कनाडा और हांगकांग के पीछे छोड़कर शेष दो स्थानों के लिए लड़ते हुए अपना एक दिवसीय दर्जा हासिल किया है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कोंकणी अनुवाद मंगलुरु बिशप पीटर पॉल सल्दान द्वारा जारी किया गया था। यह अनुवाद द्वारा जारी किया गया है, तो वो दोस्तों जारी किया गया स्टीफन क्वाड्रोस परमुड द्वारा जारी किया गया है। यह अनुवाद कोंकणी में कई पुस्तकों के लेखक प्रोफेसर स्टीफन क्वाड्रोस परमुड द्वारा किया गया है। इस पुस्तक को मंगलुरु बिशप आयोग द्वारा जारी किया गया था, जिसका नेतृत्व इसके संयोजक फादर जेबी कस्ट्रा द्वारा किया गया था। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण NCLT ने भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन BFIL के साथ के विलय को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों वो दे दिए इंड सइंड बैंक के विलय को मंजूरी दे दी है। ठीक है, विलय 2-4 सप्ताह के भीतर पूरा हो जाएगा। विलय के बाद BFIL की सहायक कंपनी बन जाएगी। भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड BFIL एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यानी कि RBI द्वारा लाइसेंस प्राप्त है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडसइंड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विप्रो की बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस BFSI की व्यावसायिक इकाई के अध्यक्ष ने पदोन्नत होने के 5 वर्ष बाद कंपनी से इस्तीफा दे दिया। तो उनका नाम है दोस्तों साजी फारूक ने पदोन्नत के 5 वर्ष बाद कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पुरानी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कंपनी ने थोक की क्रिप्टो करेंसी ट्रेंडिंग के लिए एक नया और अनोखा प्लेटफॉर्म पेश किया है, जिसका नाम है बायक्वाइन। ठीक है, ये इसका नाम है ऑप्शन नंबर सी, बायक्वाइन। ये इसका थोक भारत की दूसरी सबसे पुरानी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कंपनी बायक्वाइन ने थोक क्रिप्टो करेंसी ट्रेंडिंग के लिए एक नया प्लेटफॉर्म पेश किया है। यह उपयोगकर्ता को कम कीमत में उतार चढ़ाव के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार करने की अनुमति देता है। यह वर्तमान में फ्री ट्रेंडिंग मॉडल पर काम करता है, जिसका अर्थ यह है कि यह किसी भी व्यापार पर शून्य शुल्क लेता है। इसे उपयुक्त रूप से OTC यानी कि ओवर द काउंटर डेक्स के रूप में वर्णित और जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया प्रांत क्षेत्र का पहला केंद्रीय बैंक जिसने सुस्पष्ट ब्याज दर सुगमता चक्र शुरू किया है, जो कि सौम्य खाद्य मुद्रा स्फीति और आसान वैश्विक वित्तीय स्थिति से प्रभावित है। तो दोस्तों वो है RBI, एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला केंद्रीय बैंक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड आधारित ई-मैंडेट प्रमाणीकरण शुरू करने वाला गंतव्य बैंक बन गया है। तो वो दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक ने NPCI के ई-मैंडेट API प्लेटफॉर्म पर डेबिट कार्ड आधारित प्रमाणीकरण समाधान शुरू किया है। इसके साथ यह बैंक नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड आधारित ई-मैंडेट प्रमाणीकरण शुरू करने वाला पहला गंतव्य बैंक बन गया है। यह अपने ग्राहकों को डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग दोनों माध्यमों से इलेक्ट्रॉनिक मैंडेट बनाने में सक्षम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सप्ताह 14 से 20 अप्रैल तक पूरे देश में मनाया जाता है। तो दोस्तों वो है अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया जाता है 14 से 20 अप्रैल तक। ठीक है, और ये मनाया गया इस बार भी, और FSW को अग्नि सलाहकार गृह मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में मनाया जाता है। ये 14 अप्रैल 1944 के बॉम्बे पोर्ट में विक्टोरिया डॉक पर हुए विस्फोट और विनाशकारी आग में नष्ट हुए कई लोगों के जीवन की याद में और सभी उद्योगों में आग से बचाव के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो ये पहला कब मनाया जाता है, 14 अप्रैल 1944।
ठीक है, कोई ये जो कांड हुआ था विस्फोट का उसके लिए ही बनाया जाता है, उनके बचाव के लिए, उनके जीवन की याद के लिए मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमान अपहरण पर सचिवों की समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे? दोस्तों वो करेंगे पीके सिन्हा। विमान अपहरण पर सचिवों की समिति की अध्यक्षता पीके सिन्हा करेंगे। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय में विशेष रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को शीर्ष पदाधिकारियों में शामिल करने हेतु अपने उच्च स्तरीय एंटी हाईजैक पैनल को नया रूप दिया है। उन्हें किसी भी तत्काल सैन्य प्रतिक्रिया का संयम करने में सक्षम बनाया जाएगा। नए पैनल को विमान अपहरण पर सचिव की समिति कहा गया है। इस पैनल की अध्यक्षता दोस्तों कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा है। ठीक है, वो जो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस और बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस ने सहयोग में अपना पहला उत्पाद कौन सा लॉन्च किया है? तो दोस्तों वो क्या है, टोटल हेल्थ सिक्योर गोल्ड। तो ये उत्पाद लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नया बीमा उत्पाद दो मौजूदा योजनाओं का संयोजन है, बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस द्वारा हेल्थ गार्ड पॉलिसी और बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस द्वारा आई सिक्योर। ग्राहक एक बीमा राशि का विकल्प चुन सकता है जो 1.5 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हॉर्सफील्ड की ब्रॉन्ज कुकू चार्लसाइट बेलीसिस कहाँ देखी गई थी? दोस्तों वो देखी गई थी अंडामान निकोबार द्वीप समूह। हॉर्सफील्ड की ब्रॉन्ज कुकू चार्लसाइट बेसालिस को अंडामान निकोबार द्वीप समूह में देखा गया है। पीठ पर हरे और भूरे रंग के पंख की वजह से जाने जाने वाली हॉर्सफील्ड हॉर्सफील्ड की ब्रॉन्ज कुकू ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में मूल रूप से पाया जाने वाला पक्षी है। यह भारत में देखे जाने वाला पूर्व एशियाई पक्षियों का पहला दर्ज किया गया उदाहरण था। ठीक है, नेक्स्ट, रोलेक्स मॉन्ट कार्लो मास्टर्स में एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले पहले इटालियन कौन है? तो उनका नाम है दोस्तों फेबियो फोगनी फोगनिनी। ठीक है, इनका नाम है फेबिया फोगनिनी। रोलेक्स मॉन्टे कार्लो मास्टर्स में एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले पहले इटालियन बन गए। उन्होंने दुसान लाओविच को 1 घंटे 38 मिनट में 6-3 और 6-4 से हराया है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना धन्यवाद, हम कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद आपको, एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।